अब नेक्स्ट वन, राइट अ सी फंक्शन कॉल्ड ए लेंथ। इस फंक्शन का जस्ट वर्किंग क्या रहेगा, कैलकुलेटिंग लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। प्रीवियस सेशन में जस्ट आपको एक्सप्लेन किया था हाउ टू वर्किंग प्रीडिफाइंड स्ट्रिंग लेंथ फंक्शंस, देन उसे सेम वर्किंग को कंपेयर करके मैं प्रोवाइड किया कर रहा हूँ यूजर डिफाइंड लॉजिक्स इन द फॉर्म ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। जस्ट इस केस में इंप्लीमेंट क्या करना है, लेंथ फंक्शन। इस लेंथ फंक्शन का मेन पर्पज क्या रहेगा, रिटर्निंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और काउंटिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग के केस में जितने भी ऑपरेशन हैं सारे के सारे ऑपरेशन स्टार्ट किस प्लेस से करूँ, फ्रॉम गिवन एड्रेस ऑनवर्ड्स। प्लस ये ऑपरेशन कब तक अप्लाई होंगे, अप टू पोजिशन ऑफ द नल कैरेक्टर। फर्स्ट वन, जैसे इस केस में यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करें, यूजर डिफाइंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या यूज करोगे। लेंथ फंक्शन से जस्ट रिटर्न क्या होता है, नंबर ऑफ अवेलेबल कैरेक्टर्स, और नंबर ऑफ अवेलेबल कैरेक्टर्स काउंट होंगे एज अ इंटीजर, इसलिए रिटर्न टाइप यूज करेंगे एज अ इंट टाइप। देन फंक्शन नेम में जस्ट यूज कर रहा हूं एज अ लेंथ फंक्शन, आप कोई भी यूजर डिफाइंड नेम यूज कर सकते हो, एनी नेम। नेक्स्ट वन, लेंथ फंक्शन के अंदर ऑलवेज आप सप्लाई क्या करोगे, एरे, और किस टाइप के एरे पास हो रहा है इसके, इसमें एज अ कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग। कैरेक्टर एरे के एड्रेस को स्टोर कराने के लिए जस्ट रिक्वायर्ड क्या हुआ, कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर्स, इसलिए इसका आर्गुमेंट टाइप यूज करेंगे एज अ कैर स्टार। नेम आप कुछ भी यूज कर सकते हैं एज अ एस पी एनीथिंग। वन मोर केस, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब भी किसी एरे में इंटीजर, सॉरी किसी भी फंक्शन के अंदर जब इंटीजर एरे पास करते थे, इंटीजर एरे के साथ साथ आपको साइज पास करना कंपलसरी था। रीजन, क्योंकि कॉल्ड फंक्शन के अंदर गिवन एरे का कभी भी साइज एक्सेस करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब भी आप साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू साइज डिस्प्ले कराते हो तो एरे डिक्लेरेशन इंटरनली कन्वर्ट किस में जाता, पॉइंटर कन्वर्जन में। पॉइंटर का साइज क्या था, ऑलवेज 2 bytes। सेम है इन केस ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के केसेस में भी अगर आप स्ट्रिंग पास करो तो स्ट्रिंग के केस में पास क्या होगा, स्ट्रिंग एरे का बेस एड्रेस और कैरेक्टर एरे का बेस एड्रेस, एड्रेस को स्टोर कराने के रिक्वायर्ड किया पॉइंटर, पॉइंटर का साइज क्या रहेगा, ऑलवेज 2 bytes। लेकिन स्ट्रिंग के केस में आपको कभी भी एरे का साइज पास करने की नीड नहीं है। रीजन, क्योंकि इसके स्ट्रिंग के केस में स्ट्रिंग ऑलवेज टर्मिनेट किससे होते, नल कैरेक्टर से। लेकिन इंटीरियर एरे के केस में कोई एंड ऑफ कंडीशन था क्या, नहीं, जबकि स्ट्रिंग के केस में आपके पास स्ट्रिंग को एंड करने का कंडीशन अवेलेबल है नल के फॉर्म में, तो इसलिए आपको लिए इसे एक्स्ट्रा साइज पास करने की नीड नहीं है। इसे स्ट्रिंग से रिलेटेड जब भी कोई ऑपरेशन पास करोगे या स्ट्रिंग को जब भी फंक्शन में पास कर दें तो स्ट्रिंग से रिलेटेड ओनली यूज क्या करेंगे, ओनली कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर। इसे आप कोई भी एक्स्ट्रा साइज पास नहीं करोगे मैनुअली। नेक्स्ट वन, अगर आपके पास कोई भी एरे अवेलेबल है स्ट्रिंग टाइप का, देन इस केस में अगर इसे एरे के अंदर स्ट्रिंग का लेंथ काउंट करना है तो लेंथ के रिस्पेक्ट में इस बात करें, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर इज ए, कैरेक्टर बी, सी एंड नल। वन मोर केस, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं, देन डी ई एंड एफ एंड अगेन नल। टोटल इसके इसमें कैरेक्टर में से स्ट्रिंग का साइज क्या है, 8 bytes। फर्स्ट एलिमेंट का मैं एड्रेस एज्यूम कर रहा हूँ एज 100 101 102 3 4 105 106 107। एज्यूम कर लो अगर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 100 है तो इसको एक्सेस करने का वे क्या होगा, *100*101*102। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम की लॉजिक्स प्रोवाइड करूंगा, देन लॉजिक्स को टेस्ट करेंगे यूजिंग गिवन डायग्राम, इसलिए मैं लॉन्च क्या कर रहा हूं इसके इसमें स्ट्रिंग डायग्राम *105*106*107। नेक्स्ट वन, इस फंक्शन को कॉल किस प्लेस से करोगे, फ्रॉम अ बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। तो जस्ट इसके रिस्पेक्ट में, कॉलिंग के रिस्पेक्ट में प्रोवाइड कर रहा हूं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर इस स्ट्रिंग को क्रिएट कराएंगे लाइक दैट, केयर एस और मे बी ए, एनी नेम, केयर एस और ए, सॉरी ए इक्वल्स टू सेम स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या असाइन कर रहे हैं इसके इसमें ए बी सी। इसके इसमें मैंने मिडिल में कैरेक्टर एरे, सॉरी मिडिल कैरेक्टर पास किया एज एन नल, जिससे आपके लिए सेम इन गिवन इनपुट के थ्रू सारे के सारे केस इजीली टेस्ट करना पॉसिबल हो। ए बी सी देन नल, देन इसके जस्ट वहाँ रिमेनिंग कैरेक्टर्स क्या हैं, डी ई एफ। लास्ट में आपको नल खुद से प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इम्प्लिसिटली टर्मिनेट किससे हुआ, नल से। देन इसके इसमें कॉल क्या कराना, लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन में डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ इनसाइड प्रिंट एप। प्रीवियस केस में प्रिंट एप के अंदर कॉल क्या किया था, प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन एस टी आर एल ई एन,
अब सेम प्लेस पर मैं कॉल क्या करूंगा, यूजर डिफाइन फंक्शन जस्ट लेंथ, और लेंथ के अंदर उस स्ट्रिंग को पास करो जिससे स्ट्रिंग का लेंथ काउंट करना चाहते हो। क्लियर, दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस में अगेन टेस्ट करूंगा रिगार्डिंग एन अदर ऑपरेशन, अगेन परसेंट डी लेंथ, इस बार पास क्या करें इस केस में ए प्लस वन। मीन्स आप इस प्लेस पर पहले सेम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना, लेंथ को रिप्लेस कराओगे एस टी आर एल ई एन से, जो भी आउटपुट आएगा सेम आउटपुट कंपेयर करेंगे गिवन आउटपुट से। क्लियर, क्या उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम एज लाइब्रेरी फंक्शन एस टी आर एल ई एन परसेंट डी, देन अगेन मैंने फिर से कॉल किया वन मोर टाइम्स लेंथ फंक्शन, लेकिन इस बार मैंने लेंथ में पास किया ए प्लस फाइव, देन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन प्रोग्राम रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट इनपुट, मीन जस्ट इस केस में प्रोवाइड क्या किया टेस्टिंग। क्लियर, नेक्स्ट लॉजिक्स के रिस्पेक्ट में आपको आपको कुछ भी नहीं करना स्ट्रिंग को मैनेज करने के लिए, जैसे कि मीन्स आप इस केस में सिंपली लॉजिक का यूज करोगे, सपोज अगर आप किसी एरे के एलिमेंट को डिस्प्ले कराना चाहते हो, एलिमेंट को डिस्प्ले कराने के लिए ऑलवेज यूज क्या करते हैं फोर लूप, और फोर लूप ऑलवेज स्टार्ट किससे होता है आई इक्वल टू जीरो, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या रहता है ऑलवेज जीरो, इस एरे का नेम क्या करंटली ए, जीरो से स्टार्ट करोगे, जीरो से स्टार्ट करके सारे के सारे एलिमेंट रीड करोगे, प्लस एलिमेंट को डिस्प्ले न करा के एलिमेंट को कंपेयर किससे करेंगे नल से, जैसे किसी एलिमेंट का वैल्यू नल से मैच होता देन इमीडिएटली लूप को टर्मिनेट करो, देन रिटर्न क्या करा दोगे वैल्यू ऑफ आई, क्योंकि यहाँ काउंटिंग किस फॉर्म में मैनेज होगा आई इटसेल्फ। इस केस में जस्ट मैं सिंपल लॉजिक राइट डाउन करूँ, इस केस में लूप को मैनेज करने के लिए एक्स्ट्रा वैल्यू रिक्वायर्ड होगा आई, देन फोर लूप, फोर लूप के अंदर आई का इनिशियलाइजेशन किससे स्टार्ट करना है बिगिनिंग इंडेक्स, स्ट्रिंग केस में फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या रहेगा ऑलवेज जीरो, देन कंडीशन, कंडीशन मीन्स आपको कंपैरिजन किसका कराना है, इस केस में पास क्या हुआ एड्रेस, और एड्रेस केस में साइन हो रहा है पॉइंटर वेरिएबल एस में, मीन्स फाइनली स्ट्रिंग पॉइंट किसके थ्रू है एस के थ्रू, तो जिस टाइप से स्ट्रिंग के एलिमेंट को ए के थ्रू एक्सेस करा सेम टाइप से एस के थ्रू एक्सेस करना पॉसिबल है। क्लियर, देन एरे के किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट किससे करेंगे एस ऑफ आई, और एस ऑफ आई मीन्स ऑल एलिमेंट ऑफ द एरे, प्लस ये सारे के सारे एलिमेंट कंपेयर किससे करा हुए नल से, लूप कब तक चलाना जब तक एस ऑफ आई का वैल्यू नल के इक्वल नहीं, नल और वीकेंड से जीरो, दोनों का मीनिंग कैसा है सेम। तो फाइनली इस केस में आपके लिए थ्री कंडीशंस प्रोवाइड करना पॉसिबल, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या प्रोवाइड कर सकते हो एस ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू नल, फर्स्ट केस में क्या है जीरो, सेकेंड केस में नल, और केवल एस ऑफ आई भी कंडीशन में पास करना पॉसिबल है, क्योंकि एस ऑफ आई के केस में इससे रिप्रेजेंट क्या हुआ एरे का एलिमेंट, तो एरे के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे सभी कैरेक्टर का आस्की वैल्यू कैसा होगा नॉन जीरो, लेकिन नल कैरेक्टर का आस्की वैल्यू क्या रहेगा इस केस में जीरो, तो जैसे ही नल कैरेक्टर आएगा देन आस्की वैल्यू पास होगा जीरो, जीरो मीन्स फॉल्स, तो एस ऑफ आई भी कैसा सफिशियंट कंडीशन, तो इस केस में सिंपली यूज करा है एस ऑफ आई, इस कोई भी कंपेरिजन करने की नीड नहीं इस केस में, देन एवरी टाइम इंडेक्सेस में कितने का डिफरेंस होगा वन का, मीन सभी कैरेक्टर की पोजीशन में कितने का डिफरेंस है वन का, इसलिए यूज क्या करेंगे आई प्लस प्लस, बॉडी पार्ट में आपको कोई भी लॉजिक्स लिखने की नीड नहीं है इसलिए यूज क्या करोगे डमी लूप, इसको सिंपली सेमी कॉलन से भी टर्मिनेट करना पॉसिबल है। सॉरी सॉरी, देन इस केस में जस्ट रिटर्न क्या हुआ वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई, क्योंकि इस केस में जस्ट फर्स्ट टाइम एरे के एलिमेंट के फर्स्ट केस में इंडेक्स क्या हुआ जीरो, सेकंड केस में इंडेक्स क्या हुआ वन, थर्ड केस में इंडेक्स क्या हुआ टू, जैसे ही नल मिलेगा नल के केस में इंडेक्स क्या है थ्री, देन इस केस में रिटर्न क्या करा दो इमीडिएटली थ्री, इसलिए मैंने रिटर्न क्या करा सिंपली वैल्यू ऑफ आई, मीन से लॉजिक सफिशियंट है काउंटिंग लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग। अब इस केस को वन बाई वन टेस्ट करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट केसेस, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन एग्जाम्पल, इसे एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में सबसे पहले आप कॉन्सेंट्रेट करोगे फर्स्ट प्रिंट एफ, फर्स्ट प्रिंट एफ में मैंने जस्ट कॉल किया लेंथ फंक्शन, और लेंथ के अंदर पास क्या किया डायरेक्टली ए, ए के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा इसे एरे का बेस एड्रेस, बेस एड्रेस क्या इस केस में 100, देन जैसे ही इस केस में लेंथ फंक्शन कॉल होगा फर्स्ट केस में लेंथ के अंदर क्रिएट क्या हो जाएगा पॉइंटर वेरिएबल एस, प्लस एस के केस में आसान क्या हुआ 100, एस के अंदर आसान क्या हो रहा है इस केस में गिवन एड्रेस एज 100, प्लस एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट होगा आई, वन मोर वेरिएबल इज आई, जैसे इस केस में लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा देन सबसे पहले लूप के अंदर परफॉर्म क्या होगा इनिशियलाइजेशन, देन आई का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में जस्ट जीरो,
नेक्स्ट वन सेकेंड केस, सेकेंड केस में परफॉर्म क्या हुआ, कंडीशन टेस्टिंग। तो कंडीशन में आप जस्ट यूज क्या करो, एस ऑफ आई, एस ऑफ आई के केस में आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस करा हुआ है, आई का वैल्यू, और आई का वैल्यू क्या है, जीरो। प्लस मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ ड्यूरिंग एरे एंड पॉइंटर ऑपरेशन, अगर आपने कोई भी एक्सप्रेशन राइट डाउन किया है ए ऑफ आई, देन इसका इंटरनल कन्वर्जन क्या रहेगा, ऑलवेज स्टार ए प्लस आई, और ये क्या है इसके इसमें बेस एड्रेस ऑफ एरे। देन सिमिलरली इसका भी इंटरनली मीनिंग क्या रहेगा, लाइक दैट स्टार एस प्लस आई, आई के प्लेस पर क्या है जीरो, एस के प्लेस पर रिप्लेस करा हुआ है एस का वैल्यू, और एस का वैल्यू करेंटली क्या है हंड्रेड, देन इसका मीनिंग क्या हुआ हंड्रेड प्लस जीरो, फाइनली इसका मीनिंग क्या हुआ स्टार 100। चेक करो डायग्राम के अंदर स्टार 100 का वैल्यू क्या है ए, तो फाइनली इस प्लेस पर कंडीशन के अंदर फर्स्ट टाइम रिप्लेस क्या हो जाएगा ए, क्लियर। और ए का आस्की वैल्यू क्या है 65, मीन्स फाइनली कंडीशन में क्या पास हो रहा है पॉजिटिव नंबर 65, 65 इटसेल्फ क्या है जीरो और नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो मीन्स कंडीशन इज ट्रू। दूसरा केस क्या था आपके पास, इस टाइप से भी कंडीशन को कंपेयर करा सकते थे, एस ऑफ आई, एस ऑफ आई के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ जस्ट 65 नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन कैसा ऑल्सो डू, मीन्स आपको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली पास क्या हो आइदर जीरो और नॉन जीरो, क्यों नल इटसेल्फ क्या है ऑल्सो जीरो, इज द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में कंडीशन कैसा है ट्रू और फॉल्स, कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि इस केस में फर्स्ट केस में पास क्या हुआ था जस्ट ए और 65। वन मोर केस, इस केस में जस्ट इसको राइट डाउन किया इस टाइप से, लेकिन रिमेनिंग केस में नेक्स्ट जितने भी एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगा उस केस में जस्ट प्रोवाइड क्या करूंगा लाइक दैट, जैसे इस केस में एस में 100 असाइन होगा इस लोकेशन का नेम क्या हो जाएगा एस जीरो एस वन, लेकिन इस केस में इस टाइप के नेम्स प्रोवाइड नहीं किए, क्योंकि आपको जब नेक्स्ट केस में टेस्ट कराऊंगा तो उस केस में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए मैं इस टाइप से सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसे इस प्रोग्राम में इस वीडियो को आप कहीं भी स्किप मत करना, अगर आपने स्किप कर दिया देना आपके लिए नेक्स्ट प्रोग्राम समझना मुश्किल हो जाएगा, क्लियर। इसलिए मैं सब कुछ ड्रॉ करके एक एक एक्सप्रेशन खुद से सॉल्व करके बता रहा हूँ, इस सॉल्व करके बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऑलरेडी नहीं आता है, हो सकता है ऑलरेडी भी आपसे ऑपरेशन बनते हैं, फिर भी आप पूरा का पूरा केस कॉन्सल्टेट करोगे जिससे आपके लिए लास्ट टू केस ईजिली समझना पॉसिबल, नहीं तो केस में कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो गए, क्लियर। मेरे लिए स्टार्ट से नेम्स प्रोवाइड करना पॉसिबल था और डायरेक्टली वैल्यू भी रिप्लेस कराना पॉसिबल था, लेकिन फिर भी मैंने वैल्यू रिप्लेस नहीं करा ना ही कोई नेम असाइन किया है, जस्ट उसका रीजन आपको बाद में समझ में आ जाएगा। फाइनली पास क्या हुआ 65, 65 मींस कंडीशन इज ट्रू और कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है, उसके बाद कंट्रोल कांस्टेंट होगा थर्ड केस में इनसाइड बॉडी, बॉडी कैसा लूप का है एम्प्टी, देन कंडीशन इज बॉडी के बाद फोर्थ केस में कंट्रोल कांस्टेंट होगा आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो प्लस वन इज वन। आई प्लस प्लस के बाद अगेन फिफ्थ केस क्या होगा कंडीशन टेस्टिंग, नेक्स्ट टाइम कंडीशन टेस्ट करो तो अगेन पास क्या करेंगे एस ऑफ आई, लेकिन इस बार आई का वैल्यू क्या है वन, अगेन इसको पॉइंटर्स के फॉर्म में सॉल्व करो जिससे आपके लिए कोई कंफ्यूजन ना हो, इसका मीनिंग क्या है स्टार एस प्लस आई, आई क्या है वन, स्टार एस प्लस वन, एस के प्लेस पर अगेन क्या रिप्लेस करोगे हंड्रेड, और हंड्रेड प्लस वन क्या आएगा स्टार वन जीरो वन, स्टार 101 के प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे स्टार 101 का वैल्यू विच इज बी, और बी के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा आस्की वैल्यू, इसे किसके इक्विवेलेंट है 66। नेक्स्ट टाइम फाइनली कंडीशन में पास क्या हो रहा है 66, 66 मीन्स अगेन जीरो और नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो मीन्स कंडीशन इज ट्रू, फिर से कंडीशन कैसा ट्रू, ट्रू है, तो फिर से फिफ्थ का सिक्स सिक्वेंस में चांस किसको मिलेगा बॉडी, बॉडी पार्ट कैसा इसका एम्प्टी। नेक्स्ट वन सेवेंथ केस में परफॉर्म क्या हुआ आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगी टू, देन अगेन कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन टेस्टिंग में नेक्स्ट टाइम क्या है आई के प्लेस पर टू पास करोगे और एस का वैल्यू क्या है हंड्रेड, हंड्रेड में टू ऐड कराओ तो क्या आएगा इसका मीनिंग क्या है स्टार 102, और स्टार 102 में क्या स्टोर है कैरेक्टर सी, सी का आस्की वैल्यू क्या है 67, तो नेक्स्ट टाइम कंडीशन के प्लेस पर सप्लाई क्या हो रहा 67, फर्स्ट टाइम क्या पास हुआ 65, सेकंड टाइम 66, थर्ड टाइम 67, तो थर्ड टाइम की कंडीशन कैसा अगेन ट्रू, कंडीशन ट्रू, फिर से बॉडी एग्जीक्यूट हुआ 8, नाइन्थ केस में अगेन बॉडी को चांस मिला, बॉडी एम्प्टी, देन अगेन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में 3। नेक्स्ट वन अगेन कंडीशन टेस्टिंग, तो कंडीशन के केस में अगेन सप्लाई क्या हो रहा है एस ऑफ आई, और आई का वैल्यू क्या करंटली 3, सप्लाई क्या हो एस ऑफ 3, पॉइंटर्स के फॉर्म में इसको रिजोल्व करेंगे स्टार एस प्लस 3, और एस का वैल्यू क्या करंटली 100, 100 प्लस 3 बिकम्स 103, बिकम्स स्टार 103, जब स्टार 103 के लिए अप्लाई करोगे रिटर्न क्या करेगा वैल्यू ऑफ
103 में क्या फाइंड नल, नल मींस जीरो. नेक्स्ट टाइम कंडीशन में क्या पास हुआ, जीरो. जीरो मींस कंडीशन बिकम्स फॉल्स. जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ कंट्रोल कहाँ आएगा, जस्ट 10 मींस कंडीशन कब फॉल्स हुआ, इन केस ऑफ 11th केस. 11th के बाद 12th केस क्या हुआ, रिटर्न स्टेटमेंट. रिटर्न स्टेटमेंट से रिटर्न क्या हुआ, वैल्यू ऑफ आई. चेक कर सकते हो नल से जस्ट पहले कितने कैरेक्टर अवेलेबल है, 3, और आई का वैल्यू भी क्या करंटली 3, इसलिए मैंने डायरेक्टली इस केस में रिटर्न क्या करा दिया, वैल्यू ऑफ आई. क्योंकि इस केस में इस स्ट्रिंग का लेंथ मैनेज कौन कर रहा है, वेरिएबल आई इटसेल्फ, इसलिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल काउंट क्रिएट करने की नीड नहीं है. नेक्स्ट कॉलिंग प्लेस पर सेंड क्या हो जाए, रिटर्न क्या हुआ इससे, लेंथ फंक्शन ने रिटर्न क्या किया करंटली आई वैल्यू, और आई का वैल्यू 3, इसलिए प्रिंट एफ में क्या रिटर्न हुआ, 3. मैसेज में क्या प्रिंट हो जाएगा, ऑल्सो 3. दिस इज द फर्स्ट केस, क्लियर. देन अगेन सेम प्रोग्राम में फिर से एग्जीक्यूट कराऊंगा रिगार्डिंग नेक्स्ट इनपुट वैल्यूज, जिससे आपके लिए कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, क्लियर. इसे तीनों ही केस टेस्ट करना आपको हो सकता है थोड़ा सा इसमें टाइम वेस्ट हो रहा हो, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जिससे आपके लिए स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम इजीली बनाना पॉसिबल, इसलिए मैं सब कुछ लो लेवल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. नेक्स्ट वन, सेकेंड केस में क्या पास किया है, A+1 के केस में ए के प्लेस पर क्या है, एरे का बेस एड्रेस 100, 100+1 बिकम्स 101. प्रीवियस केस में 100 पास हुआ था, इसलिए लेंथ किस प्लेस से काउंट होना स्टार्ट हुआ, 100 ऑनवर्ड्स. इस केस में 101 पास हुआ तो लेंथ किस से काउंट होना चाहिए, 101 से. चेक करेंगे सेम लॉजिक आपके लिए इसे इनपुट के लिए वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्लियर. दिस इज द पर्पज ऑफ द डायग्राम. नेक्स्ट वन, तो सेकेंड केस में जस्ट अगेन फिर से कॉल क्या हुआ, सेम फंक्शन लेंथ. लेंथ के अंदर अगेन क्या क्रिएट होंगे, सेम वेरिएबल्स, पॉइंटर वेरिएबल एस एंड आई. तो नेक्स्ट टाइम एस में क्या साइन होगा, 101. मीन्स फर्स्ट टाइम देखा जाए तो इस लोकेशन का नेम क्या था प्रीवियस केस में, एस 0. इस लोकेशन का नेम क्या था, एस 1 एंड सो ऑन. लेकिन इस केस में चेक करेंगे एस 0 किस लोकेशन का नेम हुआ, चेक इट सिंपली. एस ऑफ 0 की बात कर रहे हैं तो एस के अंदर करेंटली क्या स्टोर है, 101. इसका मीनिंग क्या हुआ, स्टार एस प्लस आई मीन्स 0, और एस में क्या स्टोर है, 101. 101 प्लस 0 इज स्टार 101. तो इस केस में एस ऑफ 0 किस लोकेशन का नेम हुआ, स्टार 100 का और स्टार 101 का, स्टार 101 का स्पेशली याद रखना. इसलिए मैंने प्रीवियस केस में कोई नेम प्रोवाइड नहीं किया था जिससे आप लोग कन्फ्यूज ना हो. स्पेस का नेम क्या है, एस 0. स्पेस का नेम क्या हुआ, एस 1. ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये फिक्स्ड है. स्पेस का नेम क्या, ए 0, ए 1, ए 2 एंड सो ऑन. मीन्स ए के लिए नेम चेंज नहीं होंगे, लेकिन एस 0 ऑलवेज उस लोकेशन का नेम हुआ जिस लोकेशन का एड्रेस एस के पास अवेलेबल है, क्लियर है. एस 0 किस प्लेस से स्टार्ट करोगे, 0 इंडेक्स एस के रिस्पेक्ट में किस प्लेस से काउंट करेंगे, फ्रॉम गिवन इंडेक्स ऑन वर्ड्स. क्योंकि स्ट्रिंग के लिए ऑपरेशन भी किस प्लेस से स्टार्ट करोगे, जो भी आपने एड्रेस अप्लाई किया है. नेक्स्ट वन, सेकेंड टाइम 101 पास मीन्स अगेन क्रिएट क्या हुआ, पॉइंटर वेरिएबल एस, और एस के केस में सप्लाई क्या हो रहा है, 101, इसलिए इसमें आसान क्या हुआ, 101. एस किस लोकेशन को पॉइंट करेगा, 101. इस लोकेशन का अदर नेम क्या हो सकता है, स्टार एस. एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट होगा आई, आई का इनिशियल वैल्यू क्या है, गार्बेज. अगेन इस लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट टाइम लूप के केस में आसान क्या हुआ, आई इक्वल्स टू 0. अगेन मैं सिक्वेंस मार्क करूँ, 1, आई का वैल्यू क्या हो जाए इस केस में, 0. नेक्स्ट टाइम सेकंड केस में कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन टेस्टिंग में पास किया एस ऑफ आई और आई का वैल्यू क्या है, 0, और एस 0 में करंटली क्या स्टोर है, कैरेक्टर बी. व्हाट इज द आस्की वैल्यू ऑफ बी, 66. तो इस केस में इनडायरेक्टली पास क्या हो रहा है, 66 इज दैट कैरेक्टर. कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, मीन्स नंबर कैसा, नॉन जीरो, कंडीशन इज ट्रू. नेक्स्ट टाइम बॉडी एग्जीक्यूशन, देन बॉडी एम्प्टी है, देन फोर्थ केस में क्या रहेगा, आई प्लस प्लस, नाउ आई बिकम्स 1. अगेन कंडीशन टेस्टिंग, तो कंडीशन के केस में अगेन क्या है, एस ऑफ आई, एस ऑफ आई के केस में आई का वैल्यू क्या करेंटली 1, सप्लाई क्या करो, एस ऑफ 1, और एस ऑफ 1 में क्या स्टोर है, जस्ट सी. सी के मीन्स सी का आज की वैल्यू क्या, 67. तो पास क्या हो, 67. अगेन 0, नॉन 0, नॉन 0, कंडीशन इज ट्रू. देन बॉडी, देन अगेन आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगी, 2. देन अगेन कंडीशन टेस्टिंग, 8. कंडीशन टेस्ट कराओगे तो कंडीशन टेस्टिंग में आई के प्लेस मीन्स राइट डाउन क्या होगा, एस ऑफ आई, और एस ऑफ आई के केस में आई के प्लेस पर क्या पार्ट पास करोगे, आई का करंट वैल्यू 2. एस ऑफ 2 में क्या स्टोर है, एस ऑफ 2 कौन सा लोकेशन होगा, दैट 1. मीन्स एस ऑफ 2 किसके सिमिलर है, स्टार 103. आप सॉल्व कर सकते हो, इस केस में कोई रटने वाला काम नहीं है.
एस ऑफ थ्री, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, स्टार एस प्लस थ्री, देन एस के प्लेस पर क्या जाएगा, एस का वैल्यू 101, 101 प्लस थ्री 104, सॉरी आई का वैल्यू क्या करंटली 2, सॉरी मैंने टाइपिंग मिस्टेक किया, आई का वैल्यू क्या करंटली 2, देन पास क्या करोगे एस प्लस 2, और एस का वैल्यू क्या 101, 101 प्लस 2 इज 103, तो फाइनली किसके इक्विवेलेंट स्टार 103, इसलिए मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट किए हैं, और स्टार 103 में करंटली वैल्यू क्या नल, नल का आस की वैल्यू क्या 0, दस बार पास क्या हो जाएगा इसमें लूप के अंदर कंडीशन के प्लेस पर क्या पास होगा 0, 0 के इसमें कंडीशन कैसा ट्रू और फॉल्स, कंडीशन बिकम्स फॉल्स, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा देन कंट्रोल कहाँ जाएगा इमीडिएटली आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, लूप के देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या रिटर्न आई, और आई का करंट वैल्यू क्या 2, कॉलिंग प्लेस पर जिस प्लेस पर इसको कॉल किया था उस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा 2, नेक्स्ट टाइम जो 2 प्रिंट ओनली सो एड्रेस बी का पास किया तो बी ऑनवर्ड्स कितने कैरेक्टर है ओनली 2, इसलिए लेंथ भी क्या होना चाहिए रियल केस में ऑल्सो 2, लेंथ क्या है 2, इसलिए डिस्प्ले क्या हुआ इस केस में 2, मीन्स इस लॉजिक के केस में वर्क कर रहा है। सेम है ए प्लस 5, ए का वैल्यू क्या है 100, 5 प्लस 5 मीन्स इस केस में पास क्या हुआ 105, तो पॉइंटर में नेक्स्ट टाइम क्या स्टोर हो जाएगा 105, आई का वैल्यू अगेन क्या है गार्बेज, देन इस बार एस ऑफ जीरो किस लोकेशन का नेम हुआ चेक कर सकते हो, पुट करोगे स्टार एस प्लस जीरो, और एस का वैल्यू क्या है 105 स्टार 105 प्लस जीरो इज स्टार 105, मीन से एस ऑफ जीरो किस लोकेशन का नेम है स्टार 105 का, मीन से एस जीरो लोकेशन फिक्स्ड है चेंजेबल, एस जीरो उस लोकेशन का नेम होगा जिस लोकेशन का एड्रेस एस में स्टोर है, मीन्स एरे का बेस एड्रेस क्या है एरे का नेम क्या है डजेंट मैटर, मीन्स वर्किंग किसके रिस्पेक्ट में होगा गिवन एड्रेस के रिस्पेक्ट में, तो 105 का नेम क्या हो जाएगा एस ऑफ जीरो एस ऑफ वन एस ऑफ टू, तो इसके इसमें अगेन जब लेंथ काउंट होगा ई एफ देन नल मिल जाएगा तो लेंथ क्या काउंट होगा नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या रहेगा 2, इसलिए नेक्स्ट टाइम रिजल्ट क्या मिलेगा आपको ऑल्सो 2, दिस इज द ऑल अबाउट लेंथ मेथड।